आईपीएस लेने के बाद क्या ड्राइविंग करनी चाहिए, क्या घूमना चाहिए या फिर करनी चाहिए सिर्फ रेस्ट? अगर रेस्ट भी करनी चाहिए तो कितने दिन तक करनी चाहिए? क्या आईपीएस लेने के बाद बहुत सारे सारी कमजोरियां होती हैं? क्या आईपीएस का साइड इफेक्ट है? तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। हेलो, मैं हूँ आरोही और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह बहुत सारे और टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिलते रहे। आईपीएस मोस्टली कॉमन यूज होने वाली गर्भ निरोधक यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवा, जो कि इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, बट इसको लेने का तरीका जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसे कब लेना चाहिए? अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए 72 घंटों के अंदर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसको बता दूँ कि इसको लेने के साथ साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, रोकता है प्रेगनेंसी को। तो इसमें आपको कुछ सिम्टम्स दिखेंगी, जैसे कि आपको थोड़ा सा लेजीनेस फील होगा, आलस आएगा, नींद आएगी, आपको रेस्ट करने के लिए भी मन होगा कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, बॉडी ज़्यादा एक्टिव फील नहीं करेगी, और ऐसा 5 से 6 घंटे या फिर एक दिन पूरा जो है ऐसा आपको फील हो सकता है। थोड़ी सी वीकनेस भी फील होगी, बट आपको जो है इसे लेने के बाद ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। आईपीएस को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, आप इसे भरपेट खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद ही इसे आप ले, और इसे हल्के गर्म पानी के साथ लेना सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।